तो हेलो भाई लोग, आज देख सकते हैं हमारे पास है वीवो का T3 5G मॉडल। तो आप लोगों के पास T3 Lite और या T3 X 5G मॉडल है, तो उसमें भी ये सेम प्रोसेस जो है DPI बनाने में काम में आएगा। ठीक है, तो DPI बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के फोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इधर से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, नहीं तो आप लोगों का जो है DPI एनेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सेटिंग में आने के बाद आप लोगों को जो है अबाउट फोन के अंदर जाके इधर आप लोगों को सॉफ्टवेयर वर्जन पे आके देन बिल्ड नंबर को ढूंढ के इधर इस पे 3-4 बार कंटिन्यूअस टैप करना है, तो यू आर ए नाउ डेवलपर लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम लोग बैक आ जाते हैं। आने के बाद इधर आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, सिस्टम के अंदर एकदम डाउन पे डेवलपर ऑप्शंस। तो इधर आने के बाद आप लोगों को इधर से स्क्रॉल डाउन करना है, तो ड्राइंग वाला सेक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो इधर वाला हमारा ड्राइंग वाला सेक्शन आ गया। तो इधर से नीचे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो स्मॉलेस्ट विथ बोल के एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो बताने का जरूरत नहीं कि यहाँ से क्या करना है। ठीक है, और जिसकी किसी का भी आप लोगों का डिफॉल्ट DPI हट गया है तो आप लोग यहाँ से 392 फिर से करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फोन के लिए रिकमेंडेड DPI रहेगा 700 से ज़्यादा तक। इस फोन के लिए आप लोग जो है DPI को इंक्रीज ना कीजिएगा। ठीक है, T3X और T3 Lite का भी सेम है, 700 से ज़्यादा तक नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट DPI इसका 392 है, आप लोग का हट चुका है तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।